अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मौत के राज से पर्दा नहीं हट सका है। बीतते समय के साथ ही सुशांत के कुछ अनदेखे वीडियोस भी आज तक को मिले हैं और इन वीडियोस में सुशांत की जिंदा दिली और खुश मिजाजी की झलक साफ देखी जा सकती है। उन दावों पर भी सवाल उठता है जिसमें यह कहा जा रहा था कि सुशांत ने खुदकुशी की। यह सुशांत के जिंदा दिले की जीती जागती तस्वीर है। ये एक एक्टर नहीं बल्कि आम इंसान आम सुशांत की तस्वीर है। एक तरफ हंसते मुस्कुराते सुशांत बेफिक्र होकर जिंदगी के धुन बजा रहे हैं तो दूसरी तरफ खुली छत पर बैठकर एक बच्चे की तरह कागज का जहाज बना रहे हैं। जिस सुशांत सिंह की मौत की सबसे बड़ी थ्योरी ये बताई जा रही है कि वो डिप्रेशन में थे, वही सुशांत अपनी मौत से करीब एक महीने पहले जिंदा दिल जिंदगी की धुन गुनगुना रहे थे। आज तक के हाथ इस बात का पक्का सबूत लगा है कि मौत से पहले सुशांत निराशा के अंधेरे में नहीं बल्कि उम्मीद और उमंग की लहरों में गोते लगा रहे थे। मई 2020 को बनाया गया महज 30 सेकंड का ये वीडियो सुशांत के बारे में सब कुछ बयां कर रहा है। इस वीडियो में निराशा का जरा भी भाव नहीं है। सुशांत के चेहरे पर शांति है, सुकून है, एक उम्मीद है। आज तक के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा वाले घर में गिटार बजाते दिख रहे हैं, साथ में उनका डॉग भी है। सुशांत की धुन को सुनकर उनका डॉग बेहद सुकून से लेटा हुआ है। सुशांत जब अपने गिटार पर एक बेहद खास धुन बजा लेते हैं तो पीछे से एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड रिया की आवाज है जो उस वक्त तक सुशांत के साथ ही थी। रिया सुशांत के धुन की तारीफ करती है और उनकी हौसला अफजाई भी करती है। सुशांत का अब दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। सुशांत के इस नए वीडियो में रुपहले पर्दे का हीरो नहीं बल्कि एक आम इंसान है जो खुश है, सुकून में है और उसकी शरारतें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। 20 अप्रैल 2020 का सुशांत का ये वीडियो उनके मुंबई के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट की छत का है। इस वीडियो में सुशांत किसी बच्चे की तरह कागज का हवाई जहाज बनाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुशांत को जहाज उड़ाना पसंद है इसलिए वो कागज का जहाज बना रहे हैं, इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। दरअसल सुशांत अपनी छत पर बैठे कौवे को उड़ाने के लिए कागज के जहाज को बना रहे थे। बच्चे की तरह सुशांत भी छत पर बैठे काले कौवे को उड़ाने की ठाने बैठे थे। सुशांत के फ्लैट की छत पर मौजूद उनका टेलीस्कोप भी दिख रहा है। ये टेलीस्कोप भी ये बताने के लिए काफी है कि सुशांत आसमान की दुनिया को कितना पसंद करते थे। वीडियो के आखिर में एक लड़की की आवाज भी आती है जिसमें सुशांत को वो वेल डन बोलती हैं। वेल डन। हालांकि ये लड़की रिया है या कोई और इसका पता नहीं चला है। सुशांत के आखिरी दिनों के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें वो सामान्य दिख रहे हैं। ऐसे में सुशांत के अचानक खुदकुशी करने पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि सुशांत की मौत की सच्चाई कुछ और ही है। मौत से करीब एक महीने पहले यानी 20 मई 2020 का ये वीडियो बताया जा रहा है। सुशांत घर पर गिटार बजाते नजर आ रहे हैं, जिंदगी की धुन बजाते वो काफी खुश नजर आते हैं, निराशा कहीं भी नहीं। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। तो सुशांत के अनदेखे वीडियोस में उनकी जिंदगी के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। एक वीडियो में सुशांत और कृति की केमिस्ट्री देखते ही बनती है तो दूसरे वीडियो में रिया के साथ सुशांत फ्यूचर प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो से कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि सुशांत परेशान थे या फिर किसी तनाव में थे।
अपनों के साथ जश्न मनाते हुए सुशांत की तस्वीर है। ये फ्यूचर प्लानिंग करते हुए सुशांत की तस्वीर है। एक तरफ बर्फीली वादियों में कृति सैनन के साथ फिल्म की सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के साथ किसी प्लान पर डिस्कस कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दो नए वीडियो आपने देखे, अब आपको दो और नए वीडियो दिखाते हैं जिसमें सुशांत की प्लानिंग और उनकी मस्ती नजर आ रही है। Well done. सुशांत सिंह का एक और वीडियो आज तक के हाथ लगा है। ये वीडियो 2017 का है जब सुशांत और एक्ट्रेस कृति सैनन फिल्म राब्ता का जश्न मनाने स्विट्जरलैंड गए थे। This is so much fun. दोनों ने 2017 का क्रिसमस और फिर नए साल का जश्न भी यहीं मनाया। इन तस्वीरों में बर्फीली वादियों के बीच सुशांत और कृति अपने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती कर रहे हैं। दोनों इस दौरान स्कीइंग का मजा भी ले रहे हैं। इस वीडियो में कृति झूला झूलती नजर आ रही हैं। This is so much fun. ऐसा लग रहा है जैसे इस वीडियो को खुद सुशांत ने ही बनाया है। Hey, कृति। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में सुशांत, कृति और उनके दोस्तों की मस्ती की ये तस्वीरें भी सुशांत की जिंदा दिली की गवाह हैं। और अब देखिए ये सुशांत का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में सुशांत व्हाइट बोर्ड पर किसी प्रोग्राम की योजना बनाते दिख रहे हैं। वो व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं। इस वीडियो में सुशांत गणित के सवाल को सॉल्व करते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रिया टेबल टेनिस बोर्ड पर बैठी हैं, जबकि एक तीसरा शख्स भी है जो सुशांत की प्लानिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। सुशांत बोर्ड पर एरो बनाकर लिख रहे हैं RC, SSR और AK। यहाँ RC का मतलब रिया चक्रवर्ती है, सुशांत की गर्लफ्रेंड। SSR का मतलब सुशांत सिंह राजपूत है और अनु कपूर के लिए सुशांत ने AK लिखा है। शायद किसी कही अनकही बातें टाइटल वाले प्रोग्राम पर चर्चा हो रही है और बैकग्राउंड में नुसरत फतेह अली खान के गाने चल रहे हैं। ये वीडियो सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद का है, यानी अप्रैल 2019 के बाद का। रिया खुद बता चुकी है कि वो अप्रैल 2019 में सुशांत की जिंदगी में आई। सुशांत की मौत के बाद लगातार सामने आ रहे उनके वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इन वीडियो को देखकर वो तमाम दावे झूठे लगते हैं जिनमें कहा गया है कि सुशांत ने सुसाइड किया है, लेकिन इन वीडियो में नजर आने वाला एक जिंदा दिल इंसान भला सुसाइड कैसे कर सकता है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। Well done. तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जल्द ही लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण हत्या या फिर आत्महत्या, ये गुत्थी अब बहुत ही जल्द सुलझने वाली है और इसी पर एम्स की फॉरेंसिक टीम आज अपनी रिपोर्ट CBI को सौंपेगी। सुशांत की मौत का रहस्य खुलने वाला है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट से खुलेगा सबसे गहरा राज।
सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी मौत का असली सच। एम्स की फॉरेंसिक टीम आज करेगी सुशांत पर बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज का दिन बेहद अहम है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जल्द लोगों के सामने आ सकता है। आज एम्स की टीम पोस्टमार्टम और विस्तृत रिपोर्ट पर बैठक करने वाली है। इस बैठक के बाद एम्स की फॉरेंसिक टीम आज अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने जा रही है। दिल्ली एम्स की 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने सीबीआई के साथ मिलकर पिछले हफ्ते सुशांत के मुंबई स्थित घर का दौरा किया और कई अहम सबूत इकट्ठे किए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जल्द ही लोगों के सामने आ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है या आत्महत्या, इस पर एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है वो आज रिपोर्ट सबमिट करेगी सीबीआई को। इससे पहले कल सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई के एसआईटी के अफसरों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और पिछले एक महीने के इन्वेस्टिगेशन की पूरी जानकारी दी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एम्स ने सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की दोबारा जांच के बाद उस रिपोर्ट की शुरुआती स्टडी भी कर ली है। शुरुआती नतीजा एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास है। अब आज ये फाइनल रिपोर्ट सीबीआई के पास आ जाएगी और इस रिपोर्ट से उस सच का खुलासा हो सकेगा जिसको पूरा देश पिछले कई दिनों से जानना चाह रहा है। मुंबई से मुनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।